खबर, डोईवाला से मकान और दुकानों में निशान लगाने से रानी पोखरी के व्यापारी नाराज। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी में एक बार फिर से G20 सम्मेलन के नाम पर स्थानीय व्यापारियों को परेशान करने का आरोप स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोगों ने लगाया है। रानी पोखरी व्यापार संघ में नेशनल हाईवे व प्रशासन और क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न करते हुए फिर से अतिक्रमण के नाम पर उनकी पुश्तैनी जमीन को उजाड़ने का आरोप लगाया। रानी पोखरी में शासन प्रशासन के निर्देशों पर नेशनल हाईवे व प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए पूर्व में ही सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनकी जमीन को खुर्द बुर्द करने का विभाग आज फिर से हमारे मकानों और दुकानों को निशान लगा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मई जून में ऋषिकेश में प्रस्तावित विश्व के 20 देशों को G20 सम्मेलन में जोली ग्रांड एयरपोर्ट से रानी पोखरी और ऋषिकेश तक सड़क का चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व में लोक निर्माण विभाग अतिक्रमण के नाम पर पहले ही रानी पोखरी में तमाम मकान और दुकानों को तोड़कर मांग चौड़ा कर चुका है। लेकिन आज एक बार फिर लोगों की दुकानों में लाल निशान लगाने से लोग गुस्से में हैं, जबकि NH के अधिकारियों को कहना है कि इस मार्ग पर गाड़ियों को स्पीड को देखते हुए मार्ग को व्यवस्थित किया जा रहा है। डोईवाला से लोकजनियों संवाददाता आशीष यादव की रिपोर्ट। एक तो ये गलत बनाया है, सिर्फ इसमें व्यापारियों का शोषण हो रहा है और एक साइड के व्यापारियों का ही शोषण हो रहा है, जो कि गलत है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने तोड़ा था कि हो गया, अब फिर निशान लगा रहा है। नहीं, वो कोई बात नहीं, जो भी लें ये लें, लेकिन मानक सही होने चाहिए। मानक सिद्ध नहीं कर पा रहे अपने कि क्या क्या है इनका सही। अच्छा, मानक भी अलग अलग है हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए। इनके पास कोई ऐसा इन्होंने अतिक्रमण बताया, सेंटर कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था लगा हुआ था वही है। कितने मीटर रोड से, कितने मीटर इस साइड है? दोनों साइड से 15-15 मीटर है। तो आज तो कहीं कहीं आपने और ज्यादा निशान लगा दिया? नहीं लगाया, 15 मीटर पे ही लगाया है। अच्छा, क्या रोड का संरेखण कुछ चेंज हुआ क्या? कोई नहीं हुआ, जो पूर्व है। स्थानीय व्यापारियों में जो रोड है कि सेंटर साइड में दे रहे हैं, सेंटर साइड जो तो जो डिजाइन के हिसाब से जो फाइनल हुआ है उसी। इसलिए सर जैसे हमारे ये जो हमें स्वामित्व मिला हुआ यहाँ तक का, जहाँ भाई ये ट्रैक्टर खड़ा है, तो ये इसमें भी PWD को दिया, जब इन्होंने 2021 में जब इन्होंने हमें स्वामित्व दिया है, तो ये जो है इसको ऐसे कैसे बता सकते हैं PWD का इसमें आ गया स्वामित्व? आपने हमको जो है PWD का जमीन का दिया गया, तो ये देखिए ये जो पूरी जमीन आ रही है इसका स्वामित्व हम लोगों को मिला हुआ। अब फिर निशान लगा दिया, तो PWD की जमीन का इन्होंने हमको स्वामित्व PWD का जमीन का दिया। NH वाले मैं जब ऋषिकेश IDM साहब के पास गए, जब हम गए थे तो हमने पूछा, मैं ऐसा आपने कैसे दे दिया हमको? अगर PWD का था तो आपने इसको पहले क्यों नहीं बताया हमको? इस आदमी को स्वामित्व मिला, मैंने दुकान खरीद ली, स्वामित्व मिला, आपने मेरी रजिस्ट्री करी, तो रजिस्ट्री करने के बाद PWD का कहाँ से आ गया? वो आपके जब मैं रजिस्ट्री करने गए थे आपने 2022 में, तो आपने इसको काटा, रजिस्ट्री क्यों करने दी मेरे को? क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ, पूरा मुआवजा मिले हमको। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।